बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के टॉपिक में हम यानी कि इंटीग्रेशन के चैप्टर में हम डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक में अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज जो हैं डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चले हमने थ्योरम्स पढ़ने हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फंडामेंटल थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी या फंडामेंटल थ्योरम उसके क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, ठीक है। उसके उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या। सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, उसका हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं या इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और साथ में उसके ऊपर हमने लिमिट्स भी अप्लाई की हुई हैं, ए से बी तक लिमिट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये हमें देता क्या है, मतलब अगर किसी फंक्शन की हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, उस पर लिमिट्स अप्लाई करते हैं ए से बी तक की, तो वो हमें देता क्या है, क्या हमें इससे मिलता है, ठीक है। यानी कि हम इससे क्या यानी रिजल्ट में हमें क्या मिलता है इससे, ये हमें देता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इट गिव्स, इसके बारे में हम लिख देते हैं, इट गिव्स एरिया अंडर द कर्व, और कौन सी कर्व, जिसका ये फंक्शन है, अंडर द कर्व। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हम कह रहे हैं कि ये जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन फाइंड करें, जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करें या इंटीग्रल फाइंड करें, उस कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो एरिया में देता है, लेकिन उसके अंडर कहां तक, अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस और उस कर्व के दरमियान जो भी एरिया बनता है वो हमें एरिया देता है, लेकिन इस पे हमने लिमिट भी अप्लाई की हुई है ए से बी की, तो हम साथ में लिखेंगे फ्रॉम ए एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि ये एक्स के ऊपर लिमिट होती है, एक्स की एक्स एक्सिस के ऊपर लिमिट होती है कि एक्स की वैल्यू ए से लेकर एक्स की वैल्यू बी तक का एरिया ये बाउंड करता है। सपोज हमने जो मतलब कि एग्जाम्पल भी ली थी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो है एक पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो चलो मैं थोड़ा सा इसको ठीक करके बना देता हूँ ताकि समझ भी आसानी से आ जाए। हमारे पास एक कर्व है इस तरह से, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये हमारे पास कर्व है तो हमारे पास एरिया क्या आ रहा है। सपोज यहाँ पर मैं a ले लेता हूँ, a पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और b पॉइंट यहाँ पर है, तो इस कर्व, ठीक है, इस कर्व के अंडर और ये x एक्सिस जो है इससे अबव जो एरिया बनता है वो ये बनता है, ठीक है, ये सारा एरिया बनता है, लेकिन हमने लिमिट जो अप्लाई की हुई है a से b वो ये सारा एरिया बनता है, a से b तक का एरिया, ठीक है। तीन चीजें आ गई कि एक तो कर्व के अंडर एरिया होना चाहिए, बिलो द कर्व, उसके अलावा x एक्सिस से अबव होना चाहिए, ठीक है, अबव है, उसके अलावा a से b, जहां पर x a है और जहां पर x b है उसके दरमियान में जो एरिया बनता है वो ये रिक्वायर्ड एरिया कह सकते हैं आप उसे, या इससे हमारे पास जो रिजल्ट में आता है एरिया या वैल्यू आती है वो इस एरिया की होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो था चलें डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी या थ्योरम आप उसे कह सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अच्छा, थ्योरम क्या है जी, कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन f है, ठीक है, f जो है और वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है हमारी लिमिट जो हम लिमिट यानी कि देते हैं a से b की, ठीक है, f इज कंटिन्यूस ऑन f is continuous on a to b, ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि फंक्शन जो हमारे पास है f of x,
वो एक फंक्शन से डिराइव होया हुआ है, ठीक है। सपोज हम कहते हैं फाई ऑफ एक्स से डिराइव हुआ है, यानी कि फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आता है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो फाई ऑफ एक्स से डिराइव हुआ है, ठीक है। दो चीजें हमने बात की कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है इस लिमिट के ऊपर, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो फाई ऑफ एक्स से डिराइव हुआ है। तो इसके अलावा हम डिराइव के अलावा हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो चलो मैं लिख भी देता हूँ, फाई ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है, इस फंक्शन का ऑफ एफ ऑन, हम इसी लिमिट की बात करेंगे, ऑन द लिमिट ए बी, ठीक है। तो जब हम ये इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, सपोज एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं ए से बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी जो हमारे पास यानी कि इंटीग्रल आएगा इसका फाई ऑफ एक्स ही आएगा, लेकिन हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। चलो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, फाई ऑफ एक्स जो है इसका एंटी डेरिवेटिव है, तो जिस इसकी हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो हमारे पास फाई ऑफ एक्स आएगा। लेकिन इसके ऊपर हमने क्या करना है, लिमिट्स भी अप्लाई करनी है ए से बी तक की। और ये ए से बी तक लिमिट्स हम कैसे अप्लाई करेंगे कि बी की जगह एक्स की जगह हम पहले अपर लिमिट डालेंगे, ठीक है, मतलब कि फाई ऑफ बी, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन, और फिर एक्स की जगह हम लोअर लिमिट डालेंगे, यानी कि फाई ऑफ ए आ जाएगा, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। चले हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, एक्स फंक्शन है, ठीक है, और इसकी हम सपोज हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब इसका हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं और इस पे हम लिमिट भी डाल देते हैं ए से बी की, या चले कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 1 से 3 तक की, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 से 10 हो सकती है, ठीक है, 100 से 101 हो सकती है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है लिमिट पे। तो यहाँ पर इसकी हम इंटीग्रल अब फाइंड करेंगे, किस तरह से इंटीग्रल फाइंड करेंगे, जिस तरह से आप पहले से फाइंड करते आए हैं, ठीक है, जो मेथड्स आपको पहले से बताए हुए हैं या थ्योरम्स बताए हुए हैं वही आप यूज करेंगे। सपोज एक्स स्क्वेयर बाय टू इसका इंटीग्रल आता है, ठीक है, आप इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, एक्स स्क्वेयर बाय टू आती है, पावर रूल लगता है साथ में, डेरिवेटिव इसका मौजूद है 1, तो पावर रूल एक्स में यानी कि एक्स की पावर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, वही पावर नीचे आ जाएगी। उसके बाद इस पे हमने लिमिट भी अप्लाई करनी है इंटीग्रल के बाद, ठीक है। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, पहले हमने क्या बात की थी इस थ्योरम में, इस थ्योरम में हमने बात की थी कि पहले अपर लिमिट, उसके बाद माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट आपने पुट करनी है, ठीक है। जो भी फंक्शन आपके पास आया है, एक्स स्क्वेयर बाय टू हमारे पास आया है, तो इसमें हम अब अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, मतलब कि एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, 1 है, 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 ये वाला आ रहा है नीचे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 9/2 - 1/2, ठीक है, और इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, 9 - 1 = 8/2, यानी कि इज इक्वल टू 4। तो 4 इसकी वैल्यू आती है, यानी कि हम इसके इंटीग्रल की वैल्यू आती है, डेफिनेट वैल्यू है ये, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, ये थ्योरम हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो हम पहले ही लेकर चल रहे हैं जिसको, ठीक है, फंक्शन है, और ये किससे डिराइव हुआ है, फाई ऑफ एक्स से डिराइव हुआ है, तो हम कहेंगे फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, मतलब या फिर हम उसे कह सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हम इसकी यानी कि फाइंड करते आए हैं इंटीग्रल, उसी तरह से हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। कहते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फाइंड करने जा रहे हैं और ए से बी तक की इसकी क्या है, लिमिट है, ठीक है। चले, ये हम ले लिया फंक्शन और उसका हम इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी ए से बी की। क्या
चले अब इसको हम इंटीग्रेट भी कर देते हैं, मतलब कि इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव जो कि हमने पहले बता दिया कि क्या है, फाई ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ऑफ एक्स, और उसके ऊपर लिमिट आ जाएगी ए से बी की, यहाँ पर ए से बी हम लिख देते हैं, और ये किसके इक्वल आएगा, फाई ऑफ बी, यानी कि अपर लिमिट पहले पुट करेंगे उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं लिमिट चले ऊपर नीचे कर देता हूँ, मतलब कि उसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, लोअर लिमिट को मैं अपर बना देता हूँ, यानी कि यहाँ पर ए लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, तो क्या होता है, देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स किससे डिराइव हुआ है, फाई ऑफ एक्स से, तो यानी कि फाई ऑफ एक्स इसका एंटी डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर फाई ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे बी से ए की, पहले अपर लिमिट, यानी कि अब ये ए आएगा पहले, ठीक है, फाई ऑफ ए, उसके बाद माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट वैल्यू, लोअर लिमिट क्या है, बी, फाई ऑफ बी आ गया। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, हम रिलेशन देख लेते हैं, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ये पहले का रिजल्ट है, ठीक है, इसका रिजल्ट है, और दूसरे का रिजल्ट क्या आया जिसमें हमने यानी कि लिमिट इंटरचेंज की है, वो आया है फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी। ठीक है, अगर इसमें से हम इन दोनों में क्या रिलेशन बनता है, अभी तक तो हमें नहीं नजर आ रहा कुछ, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस को, इसमें से, या इसमें से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, तो इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, नेगेटिव साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू मैंने पहले लिख ली, फाइव बी माइनस फाइव ऑफ ए। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये भी फाइव बी माइनस फाइव ऑफ ए है, ठीक है, तो यानी कि ये दोनों अब इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन आने की वजह, नेगेटिव साइन इसमें से अगर कॉमन ले लें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये किसका रिजल्ट है, ये फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए किसका रिजल्ट है, हम ऊपर से देख लेते हैं, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए जो है इसका रिजल्ट, इसकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ए से बी लिमिट, ए से बी लिमिट एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव साइन भी साथ में हम लगाते हैं, और ये किसका इंटीग्रल है, ये हमारे पास फाइव ऑफ ए माइनस फाइव ऑफ बी किसके इक्वल है, हम इसे कह सकते हैं कि मतलब कि इंटीग्रल बी से ए और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल डी एक्स, या फिर हम इसी की जगह लिख सकते थे कि इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन। ठीक है, माइनस ऑफ दिस वन, मतलब कि हमारे पास थ्योरम क्या है कि अगर आप लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं, उनकी वैल्यूज जो है आपस में इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं, अपर को लोअर बना देते हैं, तो वो आपस में उनका रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव का रिलेशन होता है, एक दूसरे को वो नेगेटिव बन जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो मैंने पहले एक्स की एग्जाम्पल ली है उससे हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ऐसा ही है। चले एक्स है, ठीक है, उसका इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे हैं वन से लेकर थ्री तक, और डी एक्स यानी कि एक्स रिस्पेक्ट से हम इसको यानी कि इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर बाय टू इसकी इंटीग्रेशन आती है, और वन से लेकर थ्री तक जो है इसकी लिमिट है, तो पुट करते हैं थ्री का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू माइनस वन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू, क्या आया था हमारे पास, वही मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, फोर। ठीक है, इस केस में क्या है, फोर आया। चलिए अब अगर हम इसकी लिमिट्स चेंज करके देखें, यानी कि थ्री यहाँ पर लिखें, वन यहाँ पर लिखें, अब इसको इंटीग्रेट करके देखें क्या आता है, एक्स स्क्वेयर बाय टू इंटीग्रेल तो सेम ही आएगा, और यहाँ से थ्री से वन। ठीक है, अब पुट करते हैं पहले अपर लिमिट वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू माइनस थ्री स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, यानी कि वन बाय टू माइनस नाइन बाय टू, ये किसके इक्वल आता है, वन बाय टू माइनस नाइन बाय टू, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस एट बाय टू यानी कि माइनस फोर आता है। ठीक है, तो अब आप इनके रिजल्ट्स को मैच करके देख सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, अगर मैं लिमिट चेंज करता हूँ तो ये नेगेटिव आता है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो यानी कि एक दूसरे का ये क्या है, नेगेटिव।
अच्छा, एक ये थ्योरम हो गया। उसके अलावा लास्ट वन हम देख लेते हैं कि सपोज जिस तरह से हमने वो ग्राफ लिया था, मैं दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ उसको। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था ये, इस तरह से करके वो ग्राफ था, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो हम अब कहते हैं कि यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 1 वैल्यू है, यहाँ पर 2 है x की, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने अगर वो एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना हो, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर जो है 2 तक का एरिया क्या है, 1 से लेकर 2 तक का एरिया ये है, ठीक है। उसके बाद 3 से लेकर 2 से लेकर 4 तक का एरिया क्या है, 2 से लेकर 4 तक का एरिया हमारे पास क्या बनता है, इसको हम इसी कलर से ले लेते हैं, ये एरिया बनता है, ठीक है। तो इन दोनों एरियाज को अगर हम सम करें तो टोटल एरिया क्या बनता है, 1 से लेकर 4 तक का एरिया। तो इसको हम इंटीग्रल में भी लिख सकते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम इसको एफ ऑफ एक्स से ही लेते हैं क्योंकि जनरली मैंने थ्योरम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, इसको आप एफ ऑफ एक्स ही कह दें, ठीक है। तो एक हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका अगर आप इंटीग्रल लेते हैं 1 से लेकर 2 तक या 1 से लेकर 4 तक, वो किसके इक्वल है, आप उसको यानी कि मजीद पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 2 तक आप पहले एरिया फाइंड कर लें, ठीक है, और उसमें प्लस कर लें 2 से लेकर 4 तक का एरिया, ठीक है, फंक्शन वही रहेगा। तो आपके पास रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, पूरे फंक्शन का जो है एरिया आ जाएगा अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस, और एक्स की लिमिट 1 से लेकर 4 तक। तो इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर ए से लेकर सी तक जो है वो एरिया है इस फंक्शन का, ठीक है, इसके साथ भी डीएक्स आएगा, इज इक्वल टू वो हो सकता है ए से लेकर बी तक का एरिया, ठीक है, ए से लेकर बी तक की लिमिट हो प्लस बी से सी की हो, मतलब कि सेम वही होगी, जो इसकी अपर लिमिट होगी इसकी लोअर लिमिट होगी, जिस तरह से यहां पर इसकी अपर लिमिट है पहले इंटीग्रल की, ठीक है, बी इसकी लोअर लिमिट है, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन तो सेम रहेगा डीएक्स। अब ये किसके इक्वल आया, ये किसके इक्वल है, ए से लेकर सी तक, मतलब कि जो पहले इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट होगी, ठीक है, और जो लास्ट इंटीग्रल की अपर लिमिट है वो इसकी अपर लिमिट होगी, ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट की आप कह सकते हैं। तो ये थे कुछ थ्योरम्स जो और कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल, उम्मीद है कि आपको अब समझ आ चुकी होगी कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, उसके अलावा जो है इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसको फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है, इसकी ग्राफिकली क्या वैल्यू है, और उसके अलावा इससे हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, और पहले आपको ये समझ आ जानी चाहिए सब चीज़ें, सब प्रॉपर्टीज, तब जाके आप आसानी से इसकी एक्सरसाइज को समझ सकेंगे और सॉल्व कर सकेंगे।